गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है राम लड्डू बनाना। तो आइए बनाते हैं राम लड्डू। राम लड्डू बनाने के लिए ये हमने दाल ली है, ये हमने मूंग की धुली हुई दाल ली है और ये हमने चना दाल ली है। मूंग की धुली हुई दाल हमने ये छोटी एक कटोरी ली थी और ये आधी छोटी कटोरी हमने चने की दाल ली है और इसको हमने भिगो दिया था और ये दोनों दाल फूलकर तैयार हो चुकी हैं। और ये हमने एक मूली ली है, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, ये हमने नमक लिया है स्वाद अनुसार और ये हमने दो हरी मिर्च को चॉपर में चॉप कर लिया है, ये थोड़ा सा धनिया बारीक कट कर लिया है, एक अदरक के टुकड़े को हमने चॉपर में चॉप कर लिया है और ये हमने चौथाई चम्मच जीरा लिया है और ये मैंने चटनी के लिए मूली के पत्ते और दो हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा धनिया लिया है और एक नींबू का रस और ये एक चम्मच मैंने चीनी ली है। तो आइए बनाते हैं राम लड्डू। ये मैंने एक मिक्सी का जार लिया है। अब मैं ये मिक्सी के जार में ये मूंग की दाल डालूंगी। मैंने पानी को सारा निकाल लिया है दाल का और साथ ही मैं इसमें ये चने की दाल भी डाल दूंगी। चुटकी भर मैं इसमें हींग डाल रही हूं और दो चम्मच के आसपास मैं इसमें पानी डाल रही हूं और अब मैं इस दाल को पीस कर तैयार कर लूंगी। और ये हमारी दाल पीसकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस दाल को मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। अब मैं इस दाल को थोड़ा सा फेंट लूंगी इससे मैं। दाल हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है। अब मैं इसमें ये जीरा डाल दूंगी, साथ ही मैं ये हरी मिर्च डाल दूंगी इसके अंदर, अदरक डाल दूंगी चॉप किया हुआ और ये मैं हरा धनिया डाल दूंगी इसमें से, थोड़ा सा धनिया बचा लेती हूं मैं और इसे फिर से मिक्स कर लूंगी अच्छे से। ये हमारा अच्छे से मटेरियल तैयार हो चुका है। नमक मैं इसमें अभी नहीं डालूंगी, जिस टाइम मैं इसमें फ्राई करूंगी तब मैं नमक डालूंगी। और ये मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम चटनी पीस कर तैयार कर लेते हैं। मैंने फिर से मिक्सी का जार लिया है, अब मैं चटनी बनाकर तैयार करूंगी। अब मैं इसमें ये धनिया के पत्ते डाल दूंगी। ये मैंने मूली के पत्ते लिए हैं, इसको मैं दो टुकड़े कर दूंगी मूली के पत्तों को और साथ ही मैं इसमें ये एक चम्मच चीनी डालूंगी, एक नींबू का रस डाल दूंगी और नमक स्वाद अनुसार डालूंगी और ये हरी मिर्च डाल दूंगी। ये हरी मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है। और अब मैं इस चटनी को ग्राइंड कर लेती हूँ और ये हमारी चटनी पीसकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी चटनी को और ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब हम राम लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, नमक स्वाद अनुसार ही डालूंगी इसमें, इसे मिक्स कर लूंगी। ये मैंने एक कटोरी में पानी लिया है, हाथ को मैं पानी से गीला करूंगी और इसकी मैं गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। बिल्कुल छोटी छोटी पकौड़ियां बनाकर तैयार कर लिए हैं हमें। हमारे राम लड्डू फूल फूल के ऊपर आ रहे हैं। जितनी बढ़िया आप अच्छे प्रकार से दाल को फेंटेंगे उतने ही अच्छे हमारे ये राम लड्डू बनकर तैयार होंगे। अब इनकी मैं साइड चेंज करूंगी। ये
हमारी दिल्ली की फेमस राम लड्डू हैं। ये हमारे राम लड्डू का कलर कितना बढ़िया आया है और कितनी अच्छे से फूल कर तैयार हुई हैं हमारी राम लड्डू की पकौड़ियाँ। और ये हमारे राम लड्डू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं प्लेट में निकाल लूंगी। ये हमारी सारी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, अब मैं इन्हें सर्व करूंगी एक बाउल के अंदर। ये मैंने एक डिस्पोजर बाउल लिया है और ये राम लड्डू को मैं चेक कराती हूँ। देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं हमारे राम लड्डू और कितने सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इसमें बाउल के अंदर डाल दूंगी। अब मैं इस पे ये मूली डालूंगी। अब मैं इस पे ये थोड़ा सा चाट मसाला भुरक दूंगी और अब इसमें ग्रीन चटनी डालूंगी मैं। अब मैं इसमें ये रेड चटनी डाल दूंगी। और थोड़ा सा मैं इस पे धनिया डाल दूंगी। ऐसे मैं ये हरी चटनी डाल दूंगी और ये हमारे राम लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। दिल्ली की फेमस डिश है ये। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।